AN-32 विमान का मलबा मिलने के बाद इस विमान में सवार सभी लोगों के मारे जाने की खबर है। वायुसेना ने खुद इन मौतों की पुष्टि की है। इससे पहले अरुणाचल में विमान के मलबे तक पहुंचने के लिए 15 लोगों की टीम का गठन किया गया था। दुर्घटना वाला इलाका काफी ऊंचाई पर और घने जंगलों के बीच होने की वजह से इन लोगों को इस विमान का मलबा ढूंढने में खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। प्रशासन ने भी इस हादसे में मारे गए सभी लोगों के परिवार को इनकी सूचना दे दी है। वैसे इससे पहले विमान पर सवार पायलट की पत्नी एयर ट्रैफिक कंट्रोल में ड्यूटी पर थी और जब पायलट आशीष तंवर ने इसी वायुसेना अड्डे से अरुणाचल प्रदेश के मेंचुका के घने जंगलों के लिए उड़ान भरी थी तो उस वक्त वह उनके विमान की सारी गतिविधि देख रही थी। इस विमान में पायलट समेत 13 लोग सवार थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।